वंश कहां तक हुए हैं क्वेश्चंस तुम्हारे? सर अभी किए नहीं। सर किए नहीं है तुमने, नहीं किए। क्वेश्चन नंबर 1 किया तुम्हारे बेटा, नहीं किए। क्यों? वैल्यूज याद नहीं थी। अच्छा बेटा, एक्सरसाइज 8.2 मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है? वो सारी की सारी तुम्हें खुद करनी है, इसमें कुछ है ही नहीं, बस वैल्यू पुट करनी है, आगे कैलकुलेशन पार्ट। अगर उसके बाद भी क्वेश्चंस नहीं होते हैं, और मुझे एक एक क्वेश्चन सॉल्व चाहिए अब कल तक। थर्ड वाले में क्या है? कॉस 45 अपॉन सेक 30 और कोसेक 30। अच्छा चलो, हाँ वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हें पूरा करना है। पहले क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देख लेते हैं, ये थोड़ा सा सही है। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, और उसका सेकंड पार्ट, सेकंड नहीं थर्ड पार्ट हमारे पास। इसने बोला है कि साइन 2 ए इज इक्वल टू 2 साइन ए इज ट्रू When A is equal to what? देखो तुम्हारे पास नीचे कितने ऑप्शंस हैं? 4 ऑप्शंस हैं। A है 0, B है 30, C 45, D 60। उसने बोला है कि किस एंगल के लिए ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये ट्रू होगी, मतलब LHS और RHS इक्वल हो जाएंगी। क्लियर है बेटा? तो पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन क्या है? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो इसमें LHS, हम LHS में अगर एक ही जगह 0 डालेंगे तो कितना आएगा? साइन 2 a मतलब साइन 2 इंटू 0। तो बेटा 2 इंटू 0 कितना होता है? साइन 0 आ गया। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? लाओ लाओ लाओ। अरे कोई बात नहीं, हाँ इसके मुंह पे लगवाओगे कि बेटा कितनी होती है साइन 0 की वैल्यू? 0। RHS कितना है बेटा? 2 इंटू साइन ए, 2 इंटू साइन ए। तो एक ही जगह जब अगर हम 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा? साइन 0 की वैल्यू 0, तो 2 इंटू 0 कितना होगा? तो LHS और RHS इक्वल हो गए। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, 0 डिग्री। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? ये कहता है कि इफ 10 a प्लस b इज इक्वल टू √3, और 10 a माइनस b कितना है? 1/√3। और ए क्या है बेटा? ए प्लस बी क्या है? कंडीशन दी हुई है ना इन्होंने कि दोनों जो एंगल है उन दोनों का सम 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री है उससे कम है, और ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? अच्छा कोई मुझे बता सकता है कि कोई मुझे बता सकता है इस कंडीशन का क्या मतलब है? कोई मुझे बता सकता है इस कंडीशन का क्या मतलब है? एनीवन? सर मैं बताऊं, सर बताओ बेटा। इसका मतलब है कि ए प्लस बी जो ए और बी का जो सम है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, और हाँ लेकिन वो 90 या 90 से कम या 90 के इक्वल होना चाहिए, जहां पे ए इज ग्रेटर देन बी। ऐसा क्यों बोला गया है? किसी के पास कोई इसका क्योंकि जवाब नाइन्टी है? के 90 तक ही वो रेशियोज होते हैं। 90 तक ही होते हैं।
90 से ऊपर एंगल अगर है तो उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है। बाय बाय। देखो इसका आंसर मैं तुम्हें दूंगा लेकिन ग्राफ के साथ। पहले इसको अभी हम साइड में लिख सकते हैं, इसको साइड में रहने दो, ठीक है। अब मुझे पहले इक्वेशन देख लो, क्या बेटा टेन ए प्लस बी कितना है? √3 10 में किसकी वैल्यू होती है? 60 की होती है, तो यहां पर लिख दो 10 60 डिग्री। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा यहां से? ए प्लस बी कितना हो जाएगा बेटा? 60 डिग्री। क्लियर है? ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 1। ठीक, सेकंड इक्वेशन से देखो। अब टेन ए माइनस बी, टेन में 1/√3 किस एंगल पर वैल्यू आती है? 30 पर। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/√3 की जगह क्या लिख सकते हैं? 10 30 डिग्री लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? बातें नहीं, सिर्फ देखो इधर। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो ए माइनस बी किसके इक्वल आएगा बेटा यहां से? 30 के इक्वल आएगा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सॉल्व कर सकते हैं आराम से, कर सकते हैं ना? कैसे, कौन सा मेथड लगाओगे? सब्स्टिट्यूट भाई, एलिमिनेट, एलिमिनेशन मेथड से करो, आसानी से होगा। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 और ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है जी, बी से बी कैंसिल, माइनस करने की जरूरत नहीं है, प्लस में ही कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो 2a कितना आएगा? 90 डिग्री। और a कितना होगा यहां से? 45। a की वैल्यू हमारे पास मिल चुकी है, मिल गई ना बेटा? a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, लेट्स से इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुट a इज इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन 1। तो बेटा यहां से b कितना आ जाएगा? b कितना आ जाएगा यहां से? बी आ जाएगा बेटा 60 माइनस 45 15 डिग्री। बी कितना आ रहा है बेटा? 15 डिग्री। ठीक है, क्लियर है? तो आसानी से कर लोगे तुम इसको। √3 की वैल्यू 10 में देख लो, जिससे कि हम इनको कंपेयर कर सके। भाई √3 कोट में भी आती है, √3 कोट में भी आती है, बट हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते ना फिर LHS और RHS को, कि जिससे कि एंगल निकल जाए। भाई इधर 10 है, इधर 10 हुआ, तभी तो इनके एंगल्स को कंपेयर कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है? ये सुनो, यहां से एक इक्वेशन आएगी, इससे एक इक्वेशन आएगी, दो इक्वेशन हो गई हमारे पास। इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा A 45, B 30 डिग्री, 15 डिग्री। कुंजल, वंश, बेटा समझ में आ यस गया? यस चलिए, ओके नोट डाउन करना है तो कर लीजिए, फिर अब देखते हैं हम थोड़ा सा मैजिक। स्क्रीनशॉट ले लूं। बेटा लास्ट क्लास में भी तुमने कुछ नहीं किया था, मैं ग्रुप पे भेजता हूँ, तुमने कभी नोट डाउन नहीं किया। स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ग्रुप पे तो भेजता ही हूँ जो भी मैं लिखता हूँ। क्लास में ही लिख लेती हूँ, सो इसलिए मैं देखती नहीं हूँ। अच्छा ले लो फिर। यस सर। लिख लिया? चलो भाई, ठीक आ जाओ इधर। देखो तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिखाता हूं किस तरह से दिखते हैं। जैसे साइन एक्स का ग्राफ देखा है तुमने? साइन एक्स का ग्राफ देखा बेटा? साइन एक्स का ग्राफ नहीं। होता है ये, देखो ये साइन एक्स का ग्राफ है, इस तरह से लहरें लेते हुए जाती है। देखा है कभी? नहीं। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7 का ग्राफ बनाओ, तो एक स्ट्रेट लाइन आती है ना?
लेकिन साइन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आती है, किस तरह से आती है, एक साइनसोइडल वेव, मतलब ऐसे लहरें खाती हुई वेव आती है। साइन की वैल्यू बढ़ती है फिर घटती है, बढ़ती है फिर घटती है, ठीक है। तुम्हारे में जो सिलेबस में अभी चीजें हैं वो सिर्फ कितनी है बेटा, यहां तक है सिलेबस, यहां से यहां तक, 0 से π/2। π/2 क्या होता है, 90 डिग्री होता है। कितना होता है बेटा, 90 डिग्री होता है, क्लियर है बेटा। तुम्हें सिर्फ ग्राफ का इतना हिस्सा पढ़ाया जाता है, सोचो 11th में ये पूरा पढ़ना होता है, क्लियर है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, साइन की जो वैल्यू है वो हाईएस्ट वैल्यू यही तो है, कितनी है हाईएस्ट वैल्यू, 1। π/2 तो इनपुट होती है बेटा, एंगल। साइन थीटा में थीटा क्या होता है, इनपुट, कि जो वैल्यू हम थीटा पर, किस किस थीटा पर हम वैल्यू देखना चाहते हैं। sin 30, अच्छा जैसे तुम बोलते हो ना sin 30 में कितना आता है, 1/2। 1/2 मतलब 0.5। देखो यहां पे दिखेगा तुम्हें, बताना जब वाई एक्सिस वाला 0.5 हो जाए, अभी नहीं हुआ एग्जैक्ट तो नहीं हो पा रहा है मेरे से, बट कितना आ रहा है, एक्स एक्स कितना है बेटा, जीरो पॉइंट फाइव थ्री। लेकिन हमने तो क्या पढ़ा था, 1/2 किस पर, sin 30 पर, और आ कितना रहा है इसका, एक्स एक्सिस कितना आ रहा है बेटा, 0.53 आ रहा है ना, और हमने 30 डिग्री पढ़ा था, और यहां 0.53 आ रहा है। तो देखो क्यों आता है ये, देखो भाई 30 डिग्री का मतलब होता है, 30 डिग्री का मतलब होता है, जैसे हम टाइम की अलग अलग यूनिट्स पढ़ते हैं ना, कि भाई सेकेंड्स, आवर्स, मिनट्स, डेज, मंथ्स, इयर्स, सेंचुरीज, है ना, इस तरह से एंगल्स की दो यूनिट होती हैं, एक डिग्री में और एक रेडियन में, एक डिग्री में और एक रेडियन में। तो डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना होता है तो π/180 से मल्टीप्लाई करनी होती है, ये चीज याद रख सकते, π/180 से। तो अगर मैं 30 डिग्री को कन्वर्ट करना चाहता हूँ रेडियन में तो कितना आएगा, π/180, 0 से 0 कैंसिल, रेडियन कितना है, का पाई मतलब, बाय सिक्स। क्या बोल रहे बेटा, तो रेडियन का मतलब रेडियन का, अभी तुम इतना डीप में मत जाओ, रेडियन यूनिट होती है, जैसे टाइम की अलग अलग यूनिट्स होती है ना, सेकंड्स, मिनट, आवर्स, ऐसी इसकी अलग अलग यूनिट्स होती तो साइन का ही ये ऊंच नीच वाला ग्राफ बनेगा। है। हाँ साइन का ग्राफ ऐसे ही बनता है, सर कोई एक्सेप्शनल नहीं है, एक्सेप्शनल मतलब सॉरी एक्सेप्शंस मतलब कि एकदम एक लाइन बन जाए या फिर नहीं 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 सर्कल को। लाइन नहीं बनेगी फिर तो, वो तुम्हारा रेशियो। एक बात बताओ, ये 11th में मैं तुम्हें डीपली इन चीजों को पढ़ा सकता हूँ, अभी तो मैं सिर्फ तुम्हें एक ओवरव्यू दे रहा हूँ जिससे तुम इसको फेमिलियर हो जाओ, ठीक यस है। जब मैं 30 डिग्री को कन्वर्ट करता हूँ रेडियन में तो क्या आता है बेटा, π/6। पाई की वैल्यू रखना 3.14 डिवाइड बाय 6, अप्रोक्सीमेटली आंसर इसका 0.53 ही आएगा, चाहे चेक कर लो भाई। इसको मैं डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 31 है, पॉइंट लगा हुआ है तो 0.530 आ गया, 1 रिमाइंडर, 14, 6 2 जा 12, 2 रिमाइंडर, 6 3 जा 18, 2 रिमाइंडर कितना, 0.5233। वहां पे कितना आंसर आ रहा था, 0.53 पर आ रहा था हमारा, कितना, 0.506। पहली बात तो हमने इसको एग्जैक्ट नहीं ले पाए, वहां पर मैं दिखा नहीं पाया ना तुम्हें ग्राफ में, ठीक है।
और पाई की वैल्यू भी कभी भी 0.314 नहीं आती है, इसलिए फ्लक्चुएटिंग दिखाता है तुम्हें थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? तो ये हमारी 30 डिग्री पे कितनी वैल्यू आ रही है, 0.53। तुम किसी भी एंगल पर वैल्यू निकाल सकते हो, बताओ किस पर निकालनी है। 360 पर बताऊं कितनी होती है, sin 360। देखो जरा, ये होता है पाई बाय टू, ये होता है पाई, पाई मतलब 180, पाई मतलब 180, ये होता है 3π/2 मतलब 270, और ये होता है तुम्हारा 360 मतलब 2π। 2π पर कितनी आ रही है बेटा, साइन की वैल्यू 0, तो sin 360 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो ये साइन की वैल्यू तुम कहीं से, और ये इनफाइनाइट चलता है, तुम अगर इसको जूम आउट करके देखोगे ना, देखो तुम्हें कैसा दिखेगा ये, ऐसा नहीं है कहीं पे जाके खत्म हो जाएगी, नहीं ये चलती रहेगी। क्लियर है बेटा? सर ये दिख रहा है कि जैसे एक के ऊपर एक एक कोइंसिडेंट लाइंस हैं। हाँ, लेकिन जूम आउट करके देखोगे तो ये ऐसे है, जूम इन करके देखो, ठीक है। यस सर, तो ये साइन की वेव है, कोस की वेव बिल्कुल ऐसी है, बस थोड़ी सी अलग दिखेगी, शेप बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, लेकिन होती कैसी है, इस तरह से होती है। देखो जरा, ये हमारे पास कॉस एक्स, काले वाली कॉस की है, शेप देखो बिल्कुल ऐसी है जैसे साइन की थी, लेकिन क्या फर्क है, थोड़ा सा पीछे है, इसको बोलते हैं, ये पीछे है ना, ये यहाँ पर है, यहाँ पर है, इसको बोलते हैं फेस शिफ्टिंग, जो क्लास 11th में फिजिक्स में पढ़ाई जाती है। जो तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, उसकी जो वेव्स होती है वो इस साइन वेव्स होती है, ऐसे ऐसे नहीं, जो उसकी वेव्स होती है वो ऐसे होती है। जो डीसी होता है, डीसी बताऊं कैसा होता है, डीसी दिखाऊं तुम्हें, डीसी करंट, चलो डीसी करंट दिखा देते हैं। सर ये कौन सा करंट होता है? ओके डीसी करंट जो बैटरी में होता है बेटा, सर, ऐसा होता है डीसी करंट, ठीक है, ये सिर्फ ऐसे ऐसे जाते, रेक्टिफायर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को, देखो जो तुम्हारा इन्वर्टर होता है ना, इन्वर्टर क्या करता है, वो इस तरह का करंट लेता है और उसको साइन वेव में कन्वर्ट कर देता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी में, ऐसे साइनसोइडल वेव। बात समझ में आ रही है? अब तुम सोच रहे होगे सर इसका कनेक्शन ट्रायंगल का कहाँ बिजली से हो गया, तो ये बहुत चीजें, गहरी चीजें हैं, फिजिक्स में पढ़ाई जाएंगी तुम्हें। क्लियर है? साइन का तुम्हें पता चल गया किस तरह से होता है ग्राफ, कॉस का ग्राफ पता चल गया बेटा, कॉस का ग्राफ पता चल गया है ग्राफ बनाया कैसे इन्होंने, जीरोस कैसे निकाली? बेटा, ग्राफ ऐसे बनता है ना, वैल्यूज पुट करते हैं, रेशियोज ही तो निकालना है हमें, हमें रेशियो ही तो निकालना है, ठीक एंगल्स है, का रेशियो है। एंगल्स का नहीं बेटा, उस एंगल पर साइड्स का क्या रेशियो है वो होता है, अच्छा, तो लेकिन साइड्स तो उन्होंने सिर्फ दो ही किए हैं, √3 और 2, उसके बाद तो कुछ किया नहीं है, तो इसका मतलब दो ही साइड्स बोल रहे हैं, बाकी तीसरी का कहाँ क्या होगा? मतलब, मतलब जैसे वैल्यू जो है उनकी वो क्वेश्चन अलग है, √3/2। उसको छोड़ो, वो मैं भी बाद में डिस्कस करूँ, ठीक है, वो चीज नहीं है, दो नहीं होती, बिना तीन साइड्स के तो ट्रायंगल क्रिएट ही नहीं हो पाएगा ना बेटा। वही तो दो ही रेशियोज बताए हैं, दो ही साइड्स के, तो तीसरी भाई का है। टोटल 6 रेशियोज होते हैं, जिनमें कि एक रेशियो होता है साइन का रेशियो, जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही होता है। अब देखो 10 का देखो ग्राफ कैसा होता है, 10 का ग्राफ जो होता है वो ये होता है, 10 90 कितना होता है बेटा, नॉट डिफाइंड, 10 90, दिख जाओ भाई, आंखें ऐसी हो रही हैं, हिप्नोटाइज तो नहीं हो गए, नहीं, ये है तुम्हारा 10 90 का ग्राफ,
अगर मैं देखो यहां पर वैल्यू ऊपर लेकर चलता हूं तो पाई बाय टू मतलब 90 डिग्री, और पाई बाय टू मतलब 3.14/2 कितना होगा, 1.01 कितना होगा, 1.57, 1.57। देखो 1.57 तुम्हें कहीं मिल ही नहीं पाएगा, 1.57 तुम्हें मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगर मिल जाएगा तो तुम उसको पॉइंट आउट कर सकते हो यहाँ पर। अगर तुम्हें यहाँ पर मिल गया तो इसका मतलब तुमने पॉइंट आउट कर दिया, और जो चीज पॉइंट आउट कर दी फिर वो नॉट डिफाइंड कैसे हुई, बात समझ में आ रही है? तो तुम अगर बढ़ते भी जाओगे ना, तुम अगर बढ़ते भी जाओगे तो तुम्हें 1 पॉइंट कितना बताया था, 1.57, वो मिलेगा ही नहीं। पाई बाय टू 3.14, 1.57, यस। अरे आ जाओ, ये तो आ नहीं रहा, ये कैच नहीं कर पा रहा इसको। देखो ये कितना है, 1.36 हो गया, 5.7 करना है। चलो और हम इसको क्या करते हैं, नीचे ले जाते हैं, और नीचे ले जाते हैं, और नीचे ले जाते हैं, और नीचे। क्या लगता है अब आ गया होगा 1.57, आ गया होगा? चलो चेक कर लेते हैं यस सर, कितना आ रहा है, ये 4 पॉइंट, इधर देख लेते हैं, हाँ 1.56, कितना है ये, वन थोड़ा पॉइंट ऊपर चाहिए, ऊपर लीजिए, और ऊपर कर दूं? चलो बेटा और ऊपर कर देते हैं, थोड़ा ऊपर। और अब तो आ गया होगा, इतना ऊपर तो था ही, यस सर, 1.56 है ना, अभी 1.564 है, और ऊपर करें? और ऊपर। यस सर, नहीं हो रहा, कितना आ रहा है, 1.564 आया इतनी देर में, तो तुम्हें 1.57 नहीं मिलेगा, ठीक है? इसलिए उसको क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। अगर सारे कोऑर्डिनेट्स हैं तो 1.57 भी मिल जाना चाहिए। नहीं मिलेगा बेटा, क्योंकि ये ग्राफ इतना तेजी से ऊपर चला गया है ना, शूट कर गया है, कि तुम इधर को 0.001 चलोगे ना, तब ये ऊपर को बहुत ज्यादा ऊपर चला गया है, बात समझ में आ रही है? तो अगर हम एक्स एक्सिस पे इधर को, ऐसे ग्राफ पे जो है, हाँ ऐसे ग्राफ, ऐसे ग्राफ के यूज करने वक्त साइंटिस्ट को समझ कैसे आया कि मतलब इस प्रिज्म का कितना रेशियो है इस बेटा बिल्डिंग का, तब तो वो बहुत जो है डिफिकल्ट होगा। मैथमेटिक्स से आ जाता है, वो लिमिट्स पढ़ते हो तुम उससे अच्छा। पता चलता है, ठीक है? क्योंकि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है? तो टेन थीटा में अगर थीटा हमारा पाई बाय टू जाए तो टेन की वैल्यू कितनी होगी, ये लिमिट्स में निकल के आता है, जो कि तुम्हें क्लास 11th में पढ़ाया जाएगा अगर तुम लोगे तो, ठीक है? आ जाओ, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया। अब यही तीन ग्राफ हैं, अब जैसा टेन दिखता है उसके जैसा ही इसका भाई दिखता है, कौन, कोट, कौन दिखता है बेटा, कोट। देखो ये है कोटेक्स का ग्राफ, ऐसा लग दिया, लग रहा है कि बस उसको पलट दिया है, क्या कर दिया बेटा, पलट दिया है। देखो रिवर्स लाल वाला 10x का है और ब्लू वाला कोटेक्स का ग्राफ, ठीक है? डीएनए। समझ में आ रहा है कुछ? ये ग्राफ्स हैं, इनकी फिगर्स भी तुम अगर याद कर लोगे ना, याद मतलब इमेज, मतलब अगर तुम्हारी मेमोरी में रहेगी तो सही रहेगा, ठीक है? ऐसा नहीं लगेगा कि हवा में तुक्का मार रहे हैं। तो ये क्या, सर ये एक किस बार चीज का ग्राफ टैन है, दिखा दीजिए, किस चीज का बेटा, टैन और कॉट दोनों साथ में दिखा दीजिए। टेन और कोट, देखो दोनों साथ में देख लो, ये देखो डीएनए जैसा लग रहा है। अच्छा, डीएनए जैसा लग रहा है। नहीं, डीएनए सिर्फ एक बार थोड़ी ना कट करता है, डीएनए तो बार बार कट करता है ना। तो मतलब इन दोनों में जो है जीरोस एक ही कॉमन है।
जीरोस नहीं होता जीरो बेटा, जीरोस कभी दो ग्राफ्स का नहीं होता है, जीरोस कभी दो ग्राफ्स का नहीं होता है कि साइन का जीरोस और कॉस का जीरोस। साइन का ओके ग्राफ कॉस के ग्राफ को कहाँ कट करेगा, वो जीरोस नहीं होता है। साइन का ग्राफ एक्स एक्सिस पर कहाँ कट करेगा, वो जीरोस होता है। करेगा वो जीरो ठीक है, बात समझ में आ रही है? जीरोस पढ़ा था ना, पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होता है कि जहां पर भी जहां उसका ग्राफ पे एक्स एक्सिस को कट करे वो जीरोस होता है। चलिए, साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया, कोट हो गया। अब दो अलग ग्राफ दिखेंगे तुम्हें, कोसी सेक का और कोसेक का। देखो सेक का ग्राफ देखो, काफी अलग है ना। अच्छा एक चीज और दिखाऊं तुम्हें, पैराबोला क्या दिख रहा है बेटा? ये नीचे है कोस का ग्राफ, ठीक है, काले वाला, और ये वाला है सेक का ग्राफ। तुम्हें नहीं लग रहा ऐसे एकदम सिमेट्रिक तरीके से बनाया हुआ है? क्योंकि कोस और सेक क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कैसे होते हैं? रेसिप्रोकल, इसीलिए इस तरह का ये ग्राफ बनता है। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने इनपुट ली है बेटा ये, इनपुट ली है तुमने 5.18, चलिए बेटा इधर पॉजिटिव वाली ले लेते हैं, चलो पॉजिटिव वाली ले लेते हैं, चलो पाई बाय टू पे कितना आ रहा है, ये जीरो आ रहा है। तो अगर मैं कॉस पाई बाय टू जीरो होता है तो वन अपॉन कॉस पाई बाय टू कितना होगा बेटा, कौन बताएगा? वन अपॉन कॉस पाई बाय टू कितना होगा? अगर कॉस पाई बाय टू जीरो है, कॉस पाई बाय टू मतलब कॉस 90 जीरो होता है, तो बेटा सेक 90 क्या होना चाहिए? sec 90 क्या होता है? वन अपॉन कोस 90, 1/0। हाँ तो सर नॉट डिफाइंड। 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। तो बेटा पाई बाय टू पर इसका ग्राफ कभी तुम्हें मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये क्या है, नॉट डिफाइंड है। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? हाँ cos 60 की बताओ, चलो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो बेटा sec 60 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1/2 का उल्टा 2। चेक करें, चलो चेक करते हैं, चेक करते हैं। 30 की बात हो रही है ना, 30 मतलब π/6। पहले तो उसको रेडियन को भी नॉर्मल और आगे सॉल्व कर लेते हैं। 30 डिग्री का मतलब होता है π/6। पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ जाएगा, ये 0.523, 0.523, ठीक है, 0.523। तो 0.523 पर वैल्यू देखते हैं कॉस इसकी, सेक वाले की, 0.523। देखो टू के पास जाएगी, 0.1 सेकेंड, cos 60 की वैल्यू होती है ना 1/2, तो cos 60 बनाओ इसे, cos 60 मतलब π/3, 60 डिग्री मतलब होता है π/3, कितना हो जाएगा, 3.14 डिवाइड बाय 3 कितना होगा, 1034 12, 1.04। तो x की वैल्यू 1.04 पर देखेंगे, 1.04, कितना आ रहा बेटा, आ रहा है ना 2 के इक्वल, यस और नो? 1.975 आ रहा है ना, तो ये 1.975 क्यों आ रहा है, 2 क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि पाई की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है, पाई की वैल्यू 3.14 नहीं होती है,
बात समझ में आ रही है, हम रखते हैं बट वो राउंड ऑफ वैल्यू होती है। पाई एक इरेशनल नंबर है, पता है ना तुम लोगों को, ठीक है? तो ये होता है हमारा सेक का ग्राफ। क्लियर बेटा, समझ में आ गया इतना? इतना समझ में आ गया? अच्छा, एक और लास्ट ग्राफ किसका? कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का अगर हम ग्राफ देखें तो वो ग्राफ भी बिल्कुल ऐसा ही दिखता है जैसा सेक का, लेकिन होता नहीं है, होता नहीं है। चेक करो जरा, अलग है ना? जैसे साइन वाले ग्राफ में और कॉस वाले ग्राफ में शिफ्टिंग थी, ऐसे ही कोसेक वाले में और सेक वाले में शिफ्टिंग है, ठीक है? अच्छा, इसमें मैं अब एक और ग्राफ डाल देता हूँ, साइन एक्स। जैसे सेक वाले में कॉस का ग्राफ फिट बैठता था, ऐसे ही कोसेक वाले में साइन का ग्राफ। तो देखो, जैसे यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये ऊपर जाता है, ये यहां आता है, फिर ये वापस चला जाता है जैसे ये नीचे जाता है, ठीक है? तो ये चीज है। तो ट्रिग्नोमेट्री देखने में टफ लगती है लेकिन है नहीं, ठीक है? अभी मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा इसका कुछ भी याद रखो, बस मैं तुम्हें, एक जैसे पिक्चर देखते हो तुम्हें याद रहता है कि साइन की वेव कुछ इस तरह से दिखती है, बस उतना याद रखो काफी है, ठीक है जी? तो अलग, अब तुम इतना देख सकते हो कि अलग अलग एंगल पर अलग अलग वैल्यूज आती हैं, और सिर्फ तुम्हें कितना पढ़ना था, 0 से 90 वाला ही पढ़। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? ओके, आगे देखो। चलिए ग्राफ पे आ जाते हैं, उस पे जहां पर हम क्वेश्चंस में थे। तो बेटा ये क्या है, ए प्लस बी 90 से छोटा है या बराबर है? ए प्लस बी कितना है, 90 से छोटा या बराबर? अगर हम 90 से बड़ा कर देते तो इसका मतलब है 90 प्लस वाले एंगल्स की तरफ हम पहुंच जाते, ठीक है? और इसमें पॉजिटिव वैल्यू आ रही है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट, देखो क्वाड्रेंट्स होते हैं, पता है ना तुम्हें क्वाड्रेंट्स के बारे में? तो यहां से लेकर अगर मैं यहां तक जाऊं तो 90 डिग्री बनता है, यहां से यहां तक भी 90, मतलब पूरा कितना बन जाएगा ये, 180, और फिर यहां तक बनता है 270, और पूरा बन जाता है 360। तो इसमें ये याद रखो, ASTC तुम्हें याद रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो कोई बात नहीं। ASTC का मतलब होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। इसमें सभी पॉजिटिव, इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव, इसमें टेन और उसका उल्टा पॉजिटिव, इसमें तो अगर मैं 90 से ऊपर जाता तो इसमें टेन नेगेटिव हो जाता ना, तो इसीलिए यहाँ पर ए प्लस बी किस डोमेन में रखा है, सिर्फ उन्होंने 90 के बीच। देखो तो जितना डेप्थ तुम मैथ्स को पढ़ोगे उतना अच्छे से तुम्हें समझ में आएगा। अगर तुम सोचो ऊपर ऊपर से पढ़ के निकल जाओ सकेरा सकारी करके, तो उसमें मजा नहीं आएगा, ठीक है जी? अगला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन और कर लेते हैं या फिर ये खत्म हो गया है। एक्सरसाइज 8.3, 8.3, 8.2, 8.2 कर रहे थे ना, ठीक है? तो 8.2 में आ जाते हैं हम। इसका फोर्थ क्वेश्चन मैं करा देता हूं, बाकी सब क्वेश्चंस तुम्हें कर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, तुम्हें यस और नो बताना है और जस्टिफाई भी करना है। साइन ए प्लस बी किसके इक्वल है? साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस बी किसके इक्वल है? साइन ए प्लस, तो बेटा ये फॉल्स है। ये क्या है, ये क्यों है फॉल्स, क्यों है फॉल्स बेटा? अगर मैं, इफ वी टेक ए 60 डिग्री और बी 90 डिग्री, बी को हम क्या लें, 30 डिग्री, बी क्या लेते हम, 30 डिग्री, तो बेटा LHS में क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब इन दोनों एंगल्स का सम कितना है, दोनों एंगल्स का सम 60 प्लस 30, 90 हो गया, साइन 90 कितना होता है, 1। RHS क्या है बेटा, साइन ए प्लस साइन बी। अगर ये ट्रू होता तो हर एंगल के लिए ट्रू होता ना बेटा, अगर कोई चीज ट्रू है तो वो हर एंगल के लिए ट्रू है,
लेकिन ये ट्रू हो पाएगी किसी भी एक एंगल पर, अगर ये ट्रू नहीं है तो ये फॉल्स है। साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 और साइन 30 की, तो ये कितना हो गया √3 + 1/2, ये 1 के इक्वल थोड़ी है। 1 के इक्वल कब होती है, जब √3 + 1 2 के इक्वल होती है। अब ये 2 थोड़ी ना होता, √3 होता है, √3 की वैल्यू होती है 1.732 और +1 तो कितना हो जाएगा 2.732, तो ये फॉल्स है। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक समझ में आ गया बेटा। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। इसको मैं ग्राफ से समझाऊंगा तुम्हें, इसको मैं ग्राफ से समझाऊंगा। साइन एक्स का ग्राफ है बेटा, साइन एक्स का ग्राफ है ना ये। अब मुझे बताओ थीटा इधर को बढ़ता है ना, तुम्हें पता ही है, नहीं पता तुम्हें बता रहा हूँ, ये इनपुट है, ये इधर को बढ़ती है उधर को घटती है। तो जब हम थीटा को बढ़ा रहे हैं तो मुझे ये बताओ वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है। देखो वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ रही है ना, तो क्या ये ट्रू है, नहीं। अब देखना, अब भी तो थीटा बढ़ रहा है बट वैल्यू घट रही है, तो ये कहना गलत होगा कि थीटा बढ़ने पर साइन थीटा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हाँ तो हम ये सिर्फ ये कैसे कह सकते कि बढ़ती है। ये सुनो, अगर मैं इसको तुम्हें उससे समझाता तो उससे समझ में नहीं आता, ग्राफ से आ गया ना समझ में भाई। ग्राफ पहले ऊपर जा रहा है मतलब वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ना मतलब हाइट जितनी बढ़ेगी वैल्यू बढ़ रही है, तो यहां तक तो हाइट बढ़ी लेकिन फिर घटनी स्टार्ट हो गई। तो जैसे साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू भी -1 होती है। मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेस। ये भी फॉल्स ही होगा क्योंकि कॉस थीटा का ग्राफ भी बस ऐसा ही होता है, उसकी वैल्यू भी बढ़ती है और घटती है। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, कि कोई भी एंगल ले लो साइन थीटा की वैल्यू भी उतनी आएगी जितनी, बट ये इन दोनों की वैल्यू सेम कब होती है, जब थीटा 45 डिग्री होता है। ये साइन 45 भी कितना होता है, 1/√2, और कॉस 45 भी, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। कोट 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। कोट 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा भाई, 1/10। 10 0 क्या होता है, 0, तो 1/0 क्या होती है, नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है कि कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। क्लियर है बेटा, क्लियर है, समझ में आ रहा है, इतना ही काफी है। इसके सारे क्वेश्चंस करके आओगे, पिछली एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन छूट गए हैं वो करके आओगे, ठीक है। फिर हम आइडेंटिटीज पे जाएंगे अगली क्लास में, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है वंश, कोई यस सर, डाउट है तो बताओ। नो सर। चलो फिर मिलते हैं।